नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। धरियावद क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत EMRS सोसाइटी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के तत्वाधान में पाचागुड़ा के समीप एकलव्य आदर्श आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वर्चुअल किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राकेश न्योल, नानालाल सालवी, थाना अधिकारी कपिल पाटीदार, प्रधान हर की देवी मीणा, उप प्रधान रागिनी चौधरी, भाजपा नेता खेत सिंह मीणा, प्रेम सिंह झाला, चित्तौड़िया सरपंच राजकुमार मीणा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई। उन्होंने आज दो बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की है। हालांकि वो धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर थे, लेकिन राजस्थान से जुड़े हैं और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल दिए हैं और पूरे भारत भर के 63,000 गाँव के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। उसमें आप कल्पना कीजिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैसे एक स्मार्ट सिटी के बारे में सुना था, वैसा स्मार्ट विलेज बने, इसको लेकर आगे 500 दिनों में जो काम होंगे मुझे लगता है ऐतिहासिक है। और ये जो कार्यक्रम हुए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किए हैं, अपने आप में अद्भुत है, नए भारत के निर्माण के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं, राम राम।